अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار। सदर मजलिस स्टेज पर बैठे उलमाए किराम और हमारे हर दिल अजीज इस मदरसे के बानी ममाली जनाब कारी नूरुल अमीन साहब और दूर दराज से आए हुए मेहमानान गिरामी मकामी और बैरूनी उलमाए किराम सामने बैठे हुए अजीज तलबा पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम इस अजीमुशान इजलास के कारकुनान और जिम्मेदारान इस इजलास की कामयाबी में ताउन करने वाले मुआविनीन और दीगर शुरकाए जलसा पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, जैसा कि आपने इश्तहार में पढ़ा है दस्तार बंदी के साथ तहफ्फुज़े मदारिस इस्लामिया कॉन्फ्रेंस इतना बड़ा मौजू दिया और नाज़िम इजलास ने वक्त 15 मिनट के दिया। बहरहाल मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से जो तहफ्फुज का मामला सामने आ रहा है इससे हमें आपको समझना यह है मदारिस की अहमियत इस दौर में क्या है और आज से पहले मदारिस इस्लामिया की अहमियत क्या थी। इस मदारिस इस्लामिया का सिरा कहां से जाकर मिलता, इस ताल्लुक से अगर गुफ्तगू की जाए तो तारीख का एक लंबा सिलसिला है कि मदारिस इस्लामिया का कनेक्शन कहां से मिलता है, इसका ताल्लुक कहां से है। अब इस दौर में हमारे इस मुल्क के अंदर जगह जगह कॉन्फ्रेंसें मुनाकिद की जा रही हैं मदारिस इस्लामिया की हिफाजत और नामुस मदारिस इस्लामिया के तहफ्फुज के सिलसिले में। इससे यह बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं इस वक्त मदारिस इस्लामिया को खतरा लाहिक है। अब तहफ्फुज से पहले खतरात और दीगर जो अंदेशे हैं इन खतरे की नौइयत क्या है, किससे खतरा है जिससे हमें तहफ्फुज़ की जरूरत पेश आन पड़ी है,
खतरे की नौइयत को नोटिस करना पड़ेगा। मदारिस किनकी आंखों में चुप रहे हैं, मदारिस क्या रोल अदा कर रहे हैं, माशरे की तामीर में मदारिस ने कैसे जियाले पैदा किए हैं, मदारिस ने मुल्क की तामीर में क्या हम रोल अदा किया है, इस ताल्लुक से अगर देखा जाएगा इसकी भी एक पूरी तारीख की किताबों में मौजूद है। बुजुर्गान मिल्लत इस्लामिया, मैं चंद चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। ये मदारिस क्या है, इसका तारुफ क्या है और इनकी हिफाजत इस दौर में क्यों जरूरी है, ये समझना हमें सबसे पहले मैं समझता हूं कि जरूरी है कि समझे कि मदारिस की हिफाजत क्यों जरूरी है। माइक साइड साथ पूरा कंप्लीट नहीं दे रहा, जिस हिसाब से हमें चाहिए इसके अंदर वो ताकत नहीं है, मुझे ही पूरी ताकत लगानी पड़ रही है आप तक आवाज को पहुंचाने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत, ये दौर पुरफितन दौर है, नौजवान नस्ल किस तरह बिगाड़ का शिकार बनती जा रही है, नौजवानों में किस कदर बिगाड़ है और उस बिगाड़ की नौइयत क्या है और उसके सुधार के लिए क्या इकदामात आज हमें उठाने चाहिए। तो मैं नौजवानों को जो उसकी इस समाज में बिगाड़ है उसकी निशानदेही से पहले मैं मुख्तसरन मदारिस इस्लामिया का कनेक्शन और इसका ताल्लुक जो पाक है उस ताल्लुक से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूं। एक मुसलमान खाए बिना तो रह सकता है, एक ईमान वाला दीगर जो दुनियावी जरूरियात है उन जरूरियात की तकमील के बगैर भी जिंदा रह सकता है, लेकिन एक मुसलमान की गैरत के लिए और एक मुसलमान के लिए वो इस्लाम के बगैर जिंदा रह सकता है ऐसा मुमकिन नहीं। चुनांच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आए तो 13 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की 13 साल दौर में क्या अपने दावत दी थी, ऐ दुनिया वालों जो तुमने अपने अल्लाह से अपने परवरदिगार से अपने पैदा करने वाले खालिक से इस सारी कायनात के एक मुदब्बिर से जो तुमने रिश्ता तोड़ लिया है, अगर दुनिया के अंदर तुम कामयाबी चाहते हो, दुनिया के अंदर अमन अमान चाहते हो तो तुम अपना रिश्ता अपने पैदा करने वाले के साथ जोड़ लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्की दौर में पूरी दुनिया को तौहीद की दावत दी, एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, एक अल्लाह की परस्तिश की दावत दी, सारी कायनात में जो माबूदाने बातिला थे उसके इनकार की दावत दी। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा में ये बात है कोई कारसाज नहीं है, कोई हमारा काम बनाने वाला नहीं है, सिर्फ अल्लाह के सिवा। 13 साल मक्की दौर में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत दी, आपके लिए मक्का वालों ने आपकी जमीन जब तंग कर दी तो अल्लाह ताला ने उस जमीन को छोड़कर मदीना की हिजरत की इजाजत दे दी। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए और आपने मस्जिद नबी की तामीर की तो मस्जिद नबी के तामीर के साथ साथ एक सुफा बनाया था, वहां लोग कुरान की तालीम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तामीर आप तालीम वहां से लेते। गोया के इस मदरसे का सिरा यहां क्या पढ़ाया जाता है, यहां क्या तालीम दी जाती है, यहां साइंस टेक्नोलॉजी और जिंदगी के अंदर जो तरक्की और उरूज के लोगों ने अपने तरफ से मानी मुतय्यन किए हुए हैं उन हुनर का यहां नहीं सिखलाया जाता, यहां सिखलाया जाता है इस सरजमीन में कामयाबी के लिए अपना ताल्लुक जब तक तुम
अल्लाह से उस्तवार नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी इबादत को अल्लाह के लिए खालिस नहीं करोगे, न यहाँ कामयाबी है ना मैदान मच्छर में तुम कामयाब हो सकते। मदारिस इस्लामिया की यही तालीम। तो ये बात समझ में आई कि इसका रिश्ता सुफा, जिसको हम चबूतरा कहते हैं, वहां कौन लोग रहा करते थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुखलिस होकर दीन की तालीम सीखा करते थे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये बात समझ में आई कि खास तौर से दीन की तालीम का एक अलग मरकज होना जरूरी है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको सिखाया, आपके तर्ज अमल से बात समझ में आई। आज भी है, बहुत सारी तालीम गाहें दुनिया के अंदर मौजूद हैं। किस तालीम गाह में, मैं आपसे सवाल करता हूं, किस तालीम गाह में बंदों का खुदा से रिश्ता जोड़ने की तालीम दी जाती है? किस तालीम गाह में बंदों, जो बंदे रूट चुके अपने परवरदिगार से, वहां से रिश्ता जोड़ने की तालीम सिर्फ और सिर्फ मदारिस इस्लामिया में दी जाती है। तो मदारिस इस्लामिया का सिरा और इसका ताल्लुक असहाबे सुफा से है। ये जमाने की तरक्की के साथ और जो दुनिया के अंदर इंसानों ने अपने जहनो दिमाग से तरक्की की, उस तरक्की शुदा और तरक्की के जरिए से हासिल शुदा जराए इबलाग का एक दौर है। इस दौर में आज अलग अलग अंदाज से लोगों ने तालीम गाहों का इनकाद किया, वही इस तालीम गाह जो मदारिस इस्लामिया के नाम से मौजूद है। मैं एक सवाल करता हूं, आप देखें और अखबार के अंदर आप सुनते हैं, किसी तालीम गाह पर इस दौर में किसी हुकूमत की बुरी नजर पड़ती है? किसी की बुरी नजर नहीं पड़ती है, लेकिन आज पूरी दुनिया में, सिर्फ अपने भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हुकूमत का निशाना मदारिस इस्लामिया बने हुए। वजह क्या है, सबब क्या है, यहां क्या तालीम दी जाती है? अब ये सवाल, यहां किस चीज की तालीम दी जाती है? आज पूरे भारत के अंदर, सिर्फ मैं अपने मुल्क की मिसाल लेता हूं, एक भी ऐसा जो मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बने, ऐसा आलिम मौजूद नहीं है। जब से ये भारत है, मदारिस इस्लामिया का फारिग किसी ने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है। इन्हीं मदारिस इस्लामिया ने जब भी मुल्क को जरूरत पड़ी है, जान से माल से इस मुल्क की तरक्की में ताउन पेश किया है। मगर क्यों आज हुकूमत की निगाहें इस पर पूरी उठ रही है? क्यों ये मदारिस इस्लामिया चुप रही है? मैं एक सवाल करना चाहता हूं पूरी आवाम से, आज आप देखें और गौर करें अपने जहनो दिमाग का इस्तेमाल करके, आखिर वजह क्या है, सबब क्या है, क्यों लोग मदारिस इस्लामिया के पीछे पड़े? अब ये बात समझ में आ गई। जब आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर जब ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग शुरू की, तो आपने किसी से कुछ मांगा था? किसी से खाना मांगा? किसी से कुछ कहा? लेकिन नहीं, जिनके दिलों में 360 से ज्यादा माबूदान ने घर बनाया हुआ था, उनको एक अल्लाह की दावत, एक अल्लाह की इबादत की तौहीद की दावत उनको पूरी नहीं। उसने अपने दिल में 360 से ज्यादा, और आज भी देखें आप, जो एक खालिस तौहीद की दावत करता है, खालिस ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग करता है, उसी के पीछे सारे लोग पड़ जाते हैं। जो मिक्सचर की बात करता है, उससे कोई पीछे नहीं पड़ता। ये मदारिस इस्लामिया खालिस कुरान की तालीम का है, यहां खालिस ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग की आवाज उठती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तालीम की दावत उठती है। इसलिए ये मदारिस इस्लामिया हुकूमत की निगाह में खटकती है। अब हुकूमत की निगाह में ये दावत, ये मदारिस खटकती है, मगर क्या मुसलमानों ने ये बेड़ा उठाया है कि हमें इसकी हिफाजत करनी है? खतरात तो बहुत सारे हैं,
किसी और से किसी को कोई खतरा नहीं, मगर हर मुल्क के अंदर मदारिस को ही निशाना बनाया जाता है। लोगों, ये बरेलवी देवंदी आले दिस की बात नहीं है, मैं मिसाल देकर बताता हूँ। इस भारत में कोई इदारा बचा नहीं है, जामे सल्फिया पर अटैक हुआ, नदवा के अंदर अटैक हुआ, दारुल उलूम देवबंद भी नहीं छूटा है, और न और दीगर कोई मदारिस छूटे। हर जगह हुकूमत ने इसको निशाना बना करके एक मुसलमान